केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की कनाडा के विनिपेग में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह कई अपराधों में वांटेड था और 2017 में पंजाब से कनाडा भाग गया था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुखा खालिस्तान समर्थक ताकतों के साथ जुड़ गया था। खुफिया इनपुट के मुताबिक सुखा दविंदर दबिहा गैंग का गैंगस्टर था और पंजाब के मोंगा का रहने वाला था। सूत्रों ने बताया कि कनाडा के विनिपेग में अंतर गिरोह प्रतिद्वंदिता में उसकी हत्या हुई। इनके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में देविंदर बम्बिहा गिरोह को संचालित करता था, फाइनेंस जुटाता था और मजबूत कर रहा था। वह फर्जी पासपोर्ट पर 2017 में कनाडा भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उसका झुकाव खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर भी था, लेकिन वह ज्यादातर जबरन वसूली और सुपारी किलिंग की वारदातों में शामिल था। सुखा दुने के अपने सहयोगियों और राज्य में मोस्ट वांटेड सूची में शामिल अपराधियों के माध्यम से पंजाब और आसपास के प्रांतों में अपराधों को अंजाम दे रहा था। पिछले साल 14 मार्च को दुनेके ने जालंधर के मलिया गांव में एक मैच के दौरान अपने साथियों की मदद से कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के 20 से अधिक मामले दर्ज थे। तो वहीं खुफिया एजेंसियों के उच्च सूत्रों से पता चला है कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान की ISI कनाडा में भारी फंडिंग कर रही है। कनाडा में सभी खालिस्तानी नेताओं, खासकर खालिस्तानी लिबरल पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को वैंकूवर में ISI एजेंटों से नियमित धन मिल रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।